brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. अम्बिका लिखती है, आस्था, उम्मीद करती हूँ तुम्हारे सफर की शुरुआत में ही तुम्हें एक हद मिल जाएगा और जिस सफर की तुम शुरुआत कर रही हो उस सफर में तुम्हें एक हद तुम्हें कुछ नसीहतें सिखा देगा। अम्बिका लिखती है, सफर की शुरुआत तो तुम्हारी उस दिन ही हो गई होगी जिस दिन खुली आंखों से तुमने सपने देखे होंगे, जिस दिन तुम अपने परिवार के साथ बैठकर अपनी जिम्मेदारियों को देख रही होंगी, अपनी हैसियत को टटोल रही होंगी, उसी दिन तुम्हें सफर की शुरुआत की सच्चाई दिख गई होगी। जब तुम अपने परिवार के साथ बैठी होंगी और बातों बातों में तुमने कहा होगा मुझे एक बड़ा इंसान बनना है, तो धीरे से कहीं से एक आवाज आई होगी, बेटा तुमने अपनी हैसियत देखी है क्या? ये आवाज पहली बार होगी लेकिन आखिरी बार नहीं होगी। फिर एक दिन जब तुम अपने कजिन्स के साथ बैठी होंगी और बातें हो रही होंगी और उन्हीं बातों में तुमने धीरे से कहा होगा यार सुनो ये जो सब तुम्हारे पास है ना वो मुझे अपने पैसों से खरीदना है कभी, क्योंकि मुझे भी एक बड़ा इंसान बनना है। तो उन्हीं कजिन्स के बीच में किसी ने फिर से कहा होगा धीमी सी आवाज में, तुम कुछ ज्यादा ही बड़े ख्वाब नहीं देख लेती हो क्या? ये आवाज आखिरी बार नहीं होगी, तुम फिर से खामोश रह गई होगी। फिर एक दिन जब तुम अपने दोस्तों के साथ बैठी होंगी और उन दोस्तों की बातें सुन रही होंगी, किसी को विदेश जाना है, किसी को कहीं और जाना है, किसी को कहीं जाना है, तुमने धीरे से कहा हुआ यार सुनो लड़की हूं तो क्या हुआ मुझे भी कुछ बड़ा करना है कुछ बनना है, तो एक दोस्त ने कहा होगा यार तुम पागल हो, तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी चीजें सोचती हो, ज्यादा ही बड़े ख्वाब देखती हो, ये सब आवाजें पहली बार नहीं होंगी, इन आवाजों को सुनकर तुम शांत रहना खामोश रहना पर अनदेखा मत करना, इन सब का तुम सामना करना क्योंकि वक्त इन्हें जवाब जरूर दे देगा। असली सफर की शुरुआत तो तुम्हारी तब हुई होगी जब तुम अनजाने शहर में गई होगी, उस शहर जिस शहर के तुमने सपने देखे होंगे, उस शहर जहां तुम अपने ख्वाबों को पूरा करने गई होगी, वहां तुम्हें अजनबी लोग मिलेंगे जिन्हें तुम अपना समझ बैठोगी, वहां तुम्हें अनजाने लोग मिलेंगे जिनसे तुम रिश्ता बनाओगी वो तुमसे नहीं मिलाएंगे, वहां भी तुम्हें ये आवाजें सुनाई देंगी ही, लोग तुमसे कहेंगे यार तुम फर्स्ट टाइम निकली हो ना घर से कुछ सीखो फिर दूसरे को ये आएगा वो कहेगा यार तुम स्मॉल टाउन की यही प्रॉब्लम होती है तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, कपड़े कैसे पहनती हो, नॉनवेज नहीं खाती हो, पार्टी में नहीं जाती हो, ये सब क्या है कुछ सीखो तीसरा इंसान आएगा वो तुमसे कहेगा हम मिले ही कितने दिन से 7 महीने इट्स नॉट ए बिग डील रिश्ता उतना रखो जितना जरूरी है कुछ सीखो चौथा इंसान आएगा कहेगा पोस्टर की मैथ में जो भी खाना बनता है तुम वही खा लेते हो क्या तुम्हारे घर में यही खाना बनता है कुछ सीखो फला 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 कुछ सीखो 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 वक्त ऐसा आएगा और ये सब वही लोग होंगे जो तुमसे उम्मीद करेंगे कि जब तुम उनके सामने जाओ तो मुस्कुराओ तुम्हारे एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए तुम जब उससे मिलो तो हंस के मिलो, जबकि ये वही लोग थे जिन्होंने तुम्हें डिप्रेशन में लाया था, ये वही लोग थे जिन्होंने तुम्हें हंसने पर मजबूर कर दिया था तुम रोती रहती थी पूरे दिन। तो आस्था ये सफर के तुम्हें असली सफर में यही सब तुम्हें सुनने को मिलेगा देखने को मिलेगा पर तुम सबका सामना करना खामोश रहना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम खुद को सबकी नजरों में उठाओगी, तुम अपने ख्वाब जो तुमने खुली आंखों से देखे है ना वो एक दिन तुम जरूर सच करोगी। तो आस्था तुम कभी भी टूटना मत, हाँ वक्त ऐसा आएगा कि तुम चलते चलते रोओगी कभी कभी अकेले में बैठ के सोचोगी कि मैं मरूं या जिंदा रहूं आगे जाऊं या फिर पीछे घर लौट जाऊं, पर तुम कोशिश करना कि तुम कुछ भी गलत फैसला ना लो क्योंकि तुमने ही एक दिन खुली आंखों से सपने देखे थे, तुम वही हो जो आज तक इन आवाजों को सुनती आई और अनदेखा करती आई और खामोश रही क्योंकि वक्त इन्हें जवाब जरूर देगा। तो तुम्हारे जो सफर है ना उसके अंत में जाके जब तुम्हारा सफर पूरा हो जाए जब तुम कुछ कर लो तो कोशिश करना कि इन सबका जवाब तुम उन लोगों को दे पाओ, कि तुम कोई खामोश सी लड़की नहीं हो, तुम्हारे संस्कार तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सपने हैं, तुम टूट नहीं सकती हो। तो आस्था मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तुम जब भी अपने सफर की शुरुआत करो हौसले के साथ करना और अपने आप पर विश्वास रखना, हाँ ये सही है तुम टूटोगी बिखरोगी ये सब तुम्हारे साथ होगा पर सच कहती हूँ इन सब के बाद ही तुम कुछ सीखोगे। तो अंबिका ने तो आस्था के लिए खत लिख के उसे उसके सफर में कुछ नसीहतें सिखाई, अगर आप लोगों के बीच में भी कोई आस्था हो तो कोशिश करना कि आप भी उसके लिए खत लिखो और कोशिश करो कि वो उस पर।